बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे द टॉपिक इज़ मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, इट्स फंक्शंस एंड इट्स स्ट्रक्चर, टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नंबर वन इज़ द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वी कैन सी दैट इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ हाईली कंसनट्रेटेड एरिया टूवर्ड अ लो कंसनट्रेशन कंसनट्रेटेड एरिया अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑफ क्यूब साल्ट, इसको हम सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल जो है वो अपने ज़्यादा इर्तकाज वाले इलाके से कम इर्तकाज वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि हम अगर एक किसी कमरे में स्प्रे करते हैं, उस पॉइंट पे जहाँ पे हम स्प्रे कर रहे हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होंगे, लेकिन कुछ देर के बाद जो है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से मूव कर जाएंगे कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसी तरह इसकी की एग्जांपल जो है वो दी गई है डिफ्यूजन ऑफ क्यूब साल्ट इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल वाटर में अगर हम क्यूब साल्ट को रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हाईली कंसनट्रेटेड एरिया से मूव कर जाते हैं टूवर्ड द लोअर कंसनट्रेटेड एरिया। जी नेक्स्ट है, ये डायग्राम है सिंपल डिफ्यूजन की, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईली कंसनट्रेटेड एरिया है और ये लिपिड बायलेयर है और ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं टुवर्ड दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो प्रोसेस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी किस्म की एनर्जी जो है वो रिक्वायर नहीं है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकेंड जो है वो है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें जो है वो इसको किसी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए किसी हेल्प की जो है वो ज़रूरत होती है, लाइक सम टाइप ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन्स। और एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द इंटेग्रल प्रोटीन्स इन अवर लास्ट लेक्चर, सो द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज़ सिमिलर टू द सिंपल डिफ्यूजन बट different in some aspect, like it requires the help of some type of proteins, so it is known as the facilitated diffusion, or it is also known as the passive mediated transport. इसकी example में अगर हम देखते हैं तो इसकी example में आ जाती है movement of molecules, movement of carbon monoxide and movement of glucose ions. जी next जो है इसके डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसमें सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स एम्बेड हुई होती हैं लिपिड बायलेयर के स्ट्रक्चर में, उनको हम कहते हैं कि दीज आर द इंटेग्रल प्रोटीन्स। अब ये जो हैं वो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन चैनल के तौर पर एक्ट करती हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉरी मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं ये यहाँ पे हाईली कंसनट्रेटेड एरिया दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ये प्रोटीन चैनल के थ्रू जो हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज़ दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया। और सिमिलरली कैरियर प्रोटीन आल्सो हेल्प आउट दी मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो है वो है जी थर्ड टाइप है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस हम इसको स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं विद दी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम दी हाईली कंसनट्रेटेड एरिया टूवर्ड दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया अंटिल बोथ साइड्स बिकम इक्वल। This is also is the type of passive transport because it does not require any type of energy. This process firstly studied by the German plant physiologist in 1877 and the general term osmosis, जिसको अभी हम osmosis कहते हैं, was introduced by the British chemist Thomas Graham in 1854. जी ये इसकी डायग्राम है ऑस्मोसिस की। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है हाईली कंसनट्रेटेड है और ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके जा रहे हैं टुवर्ड दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया। और ये कुछ जो हैं वाइट जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर मॉलिक्यूल्स को और ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स को। लेकिन
शुगर मॉलिक्यूल्स को सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही कि वो मूव करें, इसलिए सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है। और इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मूवमेंट तब तक जो है वो बरकरार रहती है जब तक जो है वो वाटर की बैलेंस जो है वो दोनों साइड पे इक्वल नहीं हो जाता। जी नेक्स्ट है ऑस्मोटिक सोल्यूशन जो है वो तीन तरह के होते हैं। नंबर वन आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी हाइपोटोनिक सोल्यूशन को। हाइपर का मतलब है जी अबव और हाई। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन विच हैज़ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन आउटसाइड दी सेल देन इनसाइड। तो मोर वाटर, जब सोल्यूट जो है वो आउटसाइड बाहर है तो वाटर जो है वो इनसाइड ज़्यादा होता है। तो वाटर जब सेल के इनसाइड ज़्यादा है तो वाटर मूव करता है और टुवर्ड दी आउटसाइड फ्रॉम दी हाईली कंसनट्रेटेड एरिया टुवर्ड दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया। दैट काजेज दी श्रिंकेज ऑफ सेल एंड समटाइम्स सेल बिकम डेड। नेक्स्ट है जी हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स डाउन, अंडर और बीनीथ। इट इज़ दैट सोल्यूशन दैट हैज़ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन इन साइड द सेल देन आउटसाइड। हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन हम कह सकते हैं कि जी आउटसाइड द सेल होती है। पीछे वाले में हमने पढ़ा था कि हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो जी हाई सॉरी हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन, हाँ जी, आउटसाइड द सेल है और लेस वाटर इनसाइड द सेल है। तो वाटर मूव करता है, बेसिकली हम देख रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर। तो वाटर मूव करता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टुवर्ड द इनसाइड। तो इसके नतीजे में क्या होता है, सेल जो है वो स्वेल कर जाता है और में ब्रस्ट, और ब्रस्ट भी हो सकता है। थर्ड सोल्यूशन है, थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन है जी आइसोटोनिक सोल्यूशन। इन दिस सोल्यूशन सेल हैज़ द सेम ऑस्मोलैरिटी इन बोथ साइड्स, दैट इज़ द आउटर इन्वायरमेंट एंड द इनर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। और सेल जो हैं वो इसी सिचुएशन को जो है वो प्रेफर करते हैं टू परफॉर्म देयर फंक्शनिंग प्रॉपरली। जी ये हमारे पास डायग्राम है हाइपोटोनिक सोल्यूशन की, हाइपोटोनिक सोल्यूशन की और आइसोटोनिक सोल्यूशन की। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड इन फ्रॉम द इनसाइड टुवर्ड द आउटसाइड। मतलब वो सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि एज अ रिजल्ट सेल की जो है वो श्रिंकेज काज करता है। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल की इनसाइड जो है वो मूव कर रहे हैं, तो जिसके नतीजे में सेल जो है वो स्वेल हो जाता है और उसमें टोनिसिटी आ जाती है, टर्जिडिटी आ जाती है, सॉरी टर्जिडिटी आ जाती है, जिसके नतीजे में जो है वो सेल जो है वो ब्रस्ट भी हो सकता है। और आइसोटोनिक सिचुएशन में सेल देखें जी बहुत ही ऑसम कंडीशन में है, हैप्पी मूड में है। नेक्स्ट जो है वो है जी लास्ट टाइप है ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हम इसको कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी लोअर कंसनट्रेटेड एरिया टुवर्ड दी हायर कंसनट्रेटेड एरिया। सो इट रिक्वायर्स सम टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज दी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फॉर एग्जाम्पल अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस एंड द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस इन टू दी रूट हेयर सेल्स ऑफ प्लांट। और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं जैसे कि सोडियम पोटाशियम पम्प है एंड कैल्शियम पम्प है। सो दिस इज़ दी सोडियम पोटाशियम पम्प, मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड दी कैल्शियम पम्प। जी डायग्राम इसकी किधर गई, सॉरी जी, कैल्शियम पम्प की डायग्राम जो है वो मिसप्लेस हो गई है। अच्छा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो।